चैनल जहानी। तो क्लास ट्वेल्थ वाले सारे के सारे, तो टेंशन तो तुम अपनी कर चुके हो एंड, क्योंकि तुम्हारी सारी टेंशन ली है मैंने, क्योंकि मेरे को है टेंशन कि कैसे कराऊं तुम्हारा दो दिन में ऐसी तैयारी कि तुम्हारे आए 100 में से 100। तो आज सुबह हमने सेलिब्रेट करा है अपना फ्लेमिंगो डे, और भैया लगभग 5-6 हजार बच्चों ने लगातार लाइव बैठ के उस फ्लेमिंगो के सेशन को अटेंड करा है। इसी प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए आप लोगों को आज जो है अब ये करेक्टर स्केचेस का वन शॉट देखना है। एक एक करेक्टर स्केच आपके दिमाग में बस जाएगा। करेक्टर स्केच कराने का सेंस ये होता है कि जो है आपको डायरेक्टली भी एग्जाम में ये आ सकता है, और इनडायरेक्टली जो कोई भी क्वेश्चन बना के लिखने को आ जाए आपको, चाहे लास्ट लेसन का हो, लॉस्ट स्प्रिंग का हो, अगर आपको करेक्टर स्केचेस आते हैं तो आप आंसर फॉर्म कर पाओगे। तो ये करेक्टर स्केचेस बाय हार्ट कर लो एंड जो है कल रेडी रहना विस्तास के लाइव सेशन के लिए। आज मैंने कहा था विस्तास भूल जाओ, कोई बुक भी है, बट कल 12:30 बजे शार्प आपको आ जाना है सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे विस्तास। तो लाइव चैट में लगा दो ओके ओके ओके, क्योंकि जो है कल हम कंप्लीट कर लेंगे विस्तास बुक को एंड हम हो जाएंगे बिल्कुल टेंशन फ्री फिर। ठीक है जी, पैरेलल लॉन्ग शॉट वगैरह की तैयारी तो चली रही है मेरे चैनल पे, तो शुरू करेंगे करेक्टर स्केचेस को। राइटिंग सेक्शन का भी एक वन शॉट आएगा लगभग 50 मिनट के अंदर, मैं तुम्हें लाइव आके पूरा राइटिंग सेक्शन करा दूंगी और सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगी। तो वेट करते रहो, मेरी कम्युनिटी को चेक करते रहना, वहां पे मैं सारी अपडेट्स देती रहूंगी। फ्लेमिंगो अगर अभी तक नहीं देखा था, आज फ्लेमिंगो डे है, तो भाई जल्दी से 2x पे करके फ्लेमिंगो की जो है लाइव सेशन को आप देख सकते हो, दिमाग में सारे चैप्टर्स बस जाएंगे और आंसर लिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम अपने करेक्टर स्केचेस से फ्लेमिंगो बुक के। ठीक है, सबसे पहला करेक्टर स्केच आता है हमारे पास में यहाँ पे हमारे एम हैमिल जी का। एम हैमिल जी कौन है भाई, जल्दी से बता दो मुझे लाइव चैट के अंदर। एम हैमिल जी है फ्रांस के टीचर, उनके बारे में क्या क्या स्पेशलिटी लिख सकते हो आप खुद सोचो। तो एम हैमिल कौन थे, एम हैमिल वॉज अ ट्रू फ्रेंच मैन, ये बात हम उनके बारे में लिख सकते हैं कि वो कौन है। एम हैमिल जी कौन, एम हैमिल जी एक सच्चे फ्रेंच मैन है, टीचिंग एट एलसेस फॉर 40 ईयर्स। एलसेस क्या है, जिस शहर में फ्रांस रहता है उसका नाम है, तो खुद सोचो एम हैमिल जी कौन है। एम हैमिल जी वो है जो फ्रांस के टीचर है, एलसेस में रहते हैं और पढ़ा रहे हैं 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज। ही हैड बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स पीपल, यानी कि वो जो है एलसेस के लोगों की दुनिया का एक पार्ट बन चुके हैं, उनके बच्चों को कितने ही सालों से बढ़िया रूप में वो फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर, काफी ऑनेस्ट टीचर थे, ऐसी लाइनें लिख रहा हूं उनके लिए कि वो भैया अपनी गलती तक मानते हैं, बहुत ही ऑनेस्टी से 40 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ही डिड नॉट ब्लेम हिज स्टूडेंट अलोन फॉर पुअर लर्निंग, उन्होंने अपने बच्चों पर ही इंजाम नहीं लगाया कि तुम ही प्रोकास्टिनेट करते हो, तुम्हें ही पढ़ने का शौक नहीं है। उन्होंने कहा बेटा कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है। ही ऑल्सो हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है उन्होंने इतना ज्यादा उनका जो प्रॉब्लम हुई बच्चों को, आज तक उन्हें लगता है कि भाई मेरी गलती है, मैंने भी बच्चों को जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। He was very patriotic, ये लाइन जरूर लिखना M. Hamill सर के लिए, that वो कौन थे, वो patriotic थे। As he appealed to his countrymen to hold fast to their language to be free from the Prussians, ये लाइन लिखना है। फिर आपको उनके करेक्टर स्केच के अंदर लर्न कर लो ये लाइंस बिल्कुल प्रॉपर, सीबीएसई के स्टडी मटेरियल की वेबसाइट से डायरेक्टली ये बताई गई है। कौन थे M. Hamill, वो है जो बहुत पेट्रियोटिक थे और उन्होंने लोगों को कहा कि अपनी मदर टंग को अपने से जोड़ के रखना। क्यों रखना है, टू बी फ्री फ्रॉम द प्रूशियन, अगर प्रूशियन से आज़ादी पाना चाहते हो तो भाई प्रूशियंस से आज़ादी पा के जो है लड़ना चाहते हो तो फ्रेंच बोलना कभी मत लीव करना। अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल क्लियरलेस एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पता है हमें। ही अपील्ड टू हिज कंट्री मैन टू गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, ही वॉज इमोशनली अटैच टू द स्कूल। तो ये यहाँ पे मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ जो एम हैमिल के करेक्टर स्केच में जरूर मेंशन करने हैं। एक है वो ट्रू फ्रेंच मैन, ठीक है, 40 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, ये हो गया। पैट्रियोटिक है बहुत ज्यादा, ये हो गया। हेल्ड हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, अपनी गलती मानते हैं, ये हो गया। फ्रेंच को जो ब्यूटीफुल लैंग्वेज कहते हैं तो पता ही है, बहुत इमोशनल भी है, जाते हुए स्कूल को अपनी आंखों में बसा रहे हैं। समझ रहे हो लाइव चैट में, ओके लिखते रहो अगर समझ रहे हो तो। हाउ एवर ही वॉज वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग थे, ब्रेव थे, एक आंसू नहीं निकाला अपनी आंखों में से, अपने बच्चों को और अपने जो है एलसेस वासियों को उन्होंने कहा फ्रांस के लोगों तुम फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करना, तुम्हें आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी। ही वॉज रियली सॉरी फॉर नॉट मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू टीच फ्रेंच टू हिज कंट्री मैन, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज वो कहते मेरे से ही कुछ कमी रह गई है। एट दी एंड ही बिकेम सो emotional that he could not speak. ठीक है जी, तो ये लाइन अगर तुमने लास्ट लेसन की अपने दिमाग में कर ली है कॉपी पेस्ट, तो मतलब तुम्हें पैरेलल क्वेश्चन में भी आंसर फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। कोई भी पैरेलल आ जाए, कोई भी डायलॉग बनाने को आ जाए, ये लाइंस, ये वोकैबुलरीज विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं हम अपना करेक्टर स्केच। अगला स्केच आता है हमारा प्यारे से छोटे से बच्चे का जिसका नाम है फ्रांस, जो है बड़ा लेत लतीफ, जिसको पढ़ने का शौक नहीं है, बट जब पढ़ाई करने का हक उसका, उसका फ्रेंच पढ़ने का हक उससे छिन जाता है तो बेचारा बहुत मायूस हो जाता है। कितनी बड़ी
गलती कर दी मैंने कि मैंने अपनी पढ़ाई को कभी जो है पढ़ाई नहीं, अब मैंने अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कभी एफर्ट्स लगाए ही क्यों नहीं। ठीक है जी, तो फ्रांस वॉज अ टिपिकल स्कूल बॉय, टिपिकल स्कूल बॉय था वो, जो बच्चे होते ना बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, वैसा वाला। ही वॉज केयर फ्री, तो ये लाइन जरूर लिखना फ्रांस में, फ्रांस केयर फ्री था। Hated to go to school, स्कूल जाना पसंद नहीं था। He was afraid of his teacher, ये mention करना, फ्रांस को टीचर जी से डर लगता था। M. Hamel के आयरन रूलर से डरता था वे। He was more interested in spending his time outside the school, उसको क्या करना होता था, अरे क्या ही होगा स्कूल जाके, मैं ना छुट्टी मार के इधर उधर घूमता हूँ। Many times he missed the class and went in search of birds egg, इधर उधर जाके birds के egg ढूंढता था। Watching the Prussian soldiers drilling at the sawmill, अलग अलग हरकत ये करता रहता था, यानी कि भैया जैसे बच्चे वो गोल पे जाते हैं और फिर रहे होते हैं ना स्कूटियां लेके सड़कों पे, अब इसके जमाने में स्कूटियां तो थी नहीं। ठीक है, तो ये भाई साहब जी कभी प्रूशियन सोल्जर को देख रहे हैं तो कभी बर्ड्स के एग को देख रहे हैं, तो कभी जो है एक रिवर के पीछे स्लाइड पे भी जाता था ये। ही डिड नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज लर्निंग हिज मदर टंग टिल द टाइम हिज कंट्रीमैन पास्ड इनटू प्रूशियंस हैंड एंड टीचिंग फ्रेंच वाज बैन। तो उसे किस दिन तक फ्रेंच की लैंग्वेज की वैल्यू समझ में नहीं, जब तक बैन नहीं लग गया था फ्रेंच लैंग्वेज के बोलने पे इन एल्सेस एंड लॉरेन। ठीक है जी, दिस केम एज अ थंडरबोल्ट टू फ्रेम वेन ही केम टू स्कूल एंड फाउंड इट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। तो वही थंडरबोल्ट वाली लाइन लिख रहा हूँ, उसको ऐसा लगा भाई क्या हो गया है ये मेरे साथ। एट दिस पॉइंट ही लैमेंटेड, लैमेंटेड मतलब अपनी गलती मानना, परेशान होना, दुखी होना बहुत ज्यादा, एक तरीके से जैसे लैमेंट मतलब हो गया शोक बनाया उसने द लॉस ऑफ हिज लैंग्वेज, कि भाई आज के बाद में अपनी लैंग्वेज बोल नहीं पाऊंगा। हिज एंटायर परस्पेक्टिव टूवर्ड्स द लैंग्वेज एंड द टीचर चेंज, क्या हुआ था फिर उसका, उसका परस्पेक्टिव बदल गया अपने टीचर को, से लगा यार मेरे सर तो बहुत अच्छे हैं, मैं ही बदतमीज हूँ, मैं ही पढ़ता नहीं था, मेरी गलती है। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन द लास्ट डे, और क्या होता है उसके साथ में आखिरी दिन पे उसे सब समझ में आ रहा था, तो उसे बहुत अजीब लगता है कि यार आज कैसे पढ़ पा रहा हूँ, रोज क्यों समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसे लगता है या तो टीचर जी बहुत अच्छा समझ में आ रहे हैं या मैं बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहा हूँ। तो यही चीज़ जो है समझिए आप भी, कल ऐसे ही तुम लोगों को भी विस्तार डे सेलिब्रेट करना है, पूरी विस्तार बुक को पढ़ लेना है 12:30 बजे शार्प मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, He was not able to understand the severity of war and wonder whether the pigeons would be made to coo in German. ठीक है, तो वो जो है ना बच्चा है वो अपने बचपने में ना ये कहता है यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या ये जर्मन्स को भी जो ये पिजन्स को भी कहेंगे जर्मन में बोलो। तो विद दिस गाइज ये सिंपल जो है पैराग्राफ्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, ये लाइन्स को आप रीड करो 2-3 बारी, आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट होंगी, ये समझो इनको, दीज आर द लाइन्स दैट विल हेल्प यू टू फॉर्म आंसर्स इन एग्जाम। एंड CBSE वालों इसे बहुत ध्यान से देख लो, जो पैरेलल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो आंसर फॉर्मेशन नहीं आता है, इफ यू विल नो दीज लाइन्स फ्रॉम योर चैप्टर डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू फॉर्म एनी आंसर इन योर एग्जाम। ठीक है जी, ओके, तो विद दिस ये अभी हम पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर के जो है करेक्टर स्केचेस। ओके, अब आता है अगले चैप्टर का करेक्टर स्केच, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम अपने मुकेश और साहिब का करेक्टर स्केच। तो भैया साहिब के करेक्टर स्केच से पहले मुकेश का पढ़ लेते हैं, ये रहा साहिब का आ गया। चलो, साहिब कौन है, साहिब इज अ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी हूज पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर 19, याद है ना साहिब कौन है, साहिब बताओ मुझे लाइव चैट में जल्दी से, साहिब कौन है, साहिब है एक बच्चा जो रैग पिकर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसके माता पिता कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए थे, एंड वो कहाँ रह रहा है, वो सीमापुरी में रिसाइड करता है। द राइटर एनकाउंटर हिम एवरी मॉर्निंग विद बेयर फुट इन हर नेबरहुड। ठीक है, राइटर को वो कहाँ दिखता है, उनको वो दिखता है अपनी कॉलोनी में जब वो नंगे पैर वहाँ पे घूम रहा होता है। ही इज क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप्स, क्या करता है, खोजता रहता है गोल्ड, मतलब क्या हुआ एक तरीके से वो कुछ पैसे सिक्के कुछ भी चीज खोजता रहता है गार्बेज के ढेर के अंदर। ही इज अनेबल टू गो टू स्कूल बिकॉज देयर इज नन इन हिज नेबरहुड, ये लिखना लाइन अपने साहिब भाई के लिए। साहिब ए आलम जो है इज हिज फुल नेम, और उसको जो है अपने नाम का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मतलब क्या, जो बहुत ही ज्यादा ऐसा इंसान जिसको दुनिया की सभी जो है लग्जरीज मिलनी चाहिए, बट वो बेचारे के तो पैर में चप्पल भी नहीं है पहनने के लिए। इट इज आयरोनिकल ऑन हिज पार्ट दैट अ पुअर फेलो रोम्स इन द स्ट्रीट पिकिंग अप द रैग्स, कि भाई नाम से तो उसका जो है जो उसकी दुनिया है वो मिलती ही नहीं है, वो तो भैया पुअर फेलो हमारा बेचारा भाई जो है ये साहिब ये तो सड़कों पर घूमता रहता है अपने कूड़े का बैग लेकर। फॉर द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, अब आपको जो है सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज की वैल्यू भी इसमें बतानी है। समटाइम्स वन कैन फाइंड अ रूपी मोर ऑफ अ सिल्वर कॉइन एंड दे ऑलवेज होप टू फाइंड मोर, तो साहिब क्या कहता था कि कभी कभी मैं एक रुपए भी मिल जाते हैं और कुछ भी मिल जाता है
कूड़े के ढेर के अंदर। साहिब कैसे घर में रहता है? दे लिव इन स्क्वाटर्स विद रूफ ऑफ टिन एंड टैरपोलिन। तो साहिब का घर कैसा है? टिन की छत है, टैरपोलिन वाली छत है। दे हैव, और साहिब के जो सीमापुरी के लोग हैं, दे हैव नो आइडेंटिटी एक्सेप्ट अ राशन कार्ड फॉर वोटिंग एंड बाइंग ग्रेन। दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेजेस, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर। उनके यहाँ पे जहाँ साहिब रहता है ना ही सीवेज है, ना ही ड्रेनेज है, ना ही रनिंग वाटर है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकर, ठीक है। एट प्रेजेंट साहिब इज वर्किंग एट सम टी स्टॉल। फिर साहिब की एक जॉब लग जाती है टी स्टॉल पे। द राइटर सीज हिम विद अ स्टील कैनिस्टर। ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक ऑफ हिज अर्ली डेज एंड ही इज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम मुकेश का करेक्टर स्केच। तो मुकेश के बारे में चार बातें बताओ जल्दी से लाइव चैट के अंदर अच्छे तरीके से। आगे पढ़ते हैं अब हम। मुकेश इज अ यंग बॉय हु बिलोंग्स टू बैंगल मेकर फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। समझ गए मुकेश कौन है? एक यंग बच्चा है जो बैंगल मेकर फैक्ट्री के लोगों को बिलोंग करता है, जो वहां पे काम करते हैं। इट इज फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इज कलरफुल बैंगल्स, वेयर ऑलमोस्ट एवरी कलर ऑफ बैंगल्स आर मेड। हर कलर की बैंगल बनती है वहां पे, हर कलर लिख देना। ही लिव्स इन फिरोजाबाद विद हिज एल्डर ब्रदर। अब आपको मुकेश की फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दो। फिरोजाबाद में रहते हैं अपने बड़े भाई के साथ में, सिस्टर इन लॉ के साथ में, एंड हिज फादर एंड दादी माँ भी लुक दो, एंड ग्रैंड मदर। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल इंडस्ट्रीज, वेयर ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन इलीगली वर्क विद एडल्ट्स इन डिंजी सेल्स एट हाई टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस विदाउट एयर एंड लाइट। आपको लिखना पड़ेगा फिरोजाबाद के लोग कौन सी कंडीशन में काम करते हैं, उसी कंडीशन में हमारा मुकेश भी काम कर रहा है। मुकेश की फैमिली इज अमंग दोज हुज एंटायर फैमिली वर्क इन बैंगल इंडस्ट्री एंड हैज स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फॉर्ज। फॉर्ज क्या होता है? वो भट्टी जो होती है जहाँ पे कांच पिघाला जाता है, फॉर्ज वहाँ भी था। आयरन मास्टर की मिल के अंदर भी फॉर्ज था, याद हो अगर आपको रैट ट्रैप में। तो भाई मुकेश की फैमिली भी वहाँ पे काम कर रही है, पीढ़ियों से काम चल रहा है उसकी फैमिली का ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज के अंदर। बट मुकेश डजंट वॉन्ट टू वर्क इन द बैंगल इंडस्ट्री। बट मुकेश को बैंगल इंडस्ट्री में भाइयों काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है जल्दी बता दो लाइव चैट में, क्यों मुकेश को बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना था? ही हैज अ ड्रीम टू बी अ मोटर कार मैकेनिक। उसका ड्रीम क्या है, उसका सपना क्या है? उसका सपना है मोटर कार मैकेनिक बनना, एंड ही इंसिस्ट टू बी दैट, और वो वैसा बनना चाहता है। दो इट सीम्स नॉट टू इजी बट ही डज। आसान नहीं है मोटर कार मैकेनिक बनना भी उसके लिए, बट वो बहुत पक्का है, कहता है मैं तो बनूंगा। ही टेक्स द ऑथर टू हिज हाफ बिल्ट होम थ्रू अ नैरो स्टिंकिंग लेन चोक्ड विद गार्बेज एंड 24 आवर रनिंग वाटर। तो वो जो है विदाउट आएगा, एंड वो जो चोक्ड विद गार्बेज लिख दो, ठीक है इस लाइन को लीव करो। तो वो अपने जो है ऑथर को जो है लेके जाता है अपने घर पे, ऐसी गलियां थी जहाँ पे कूड़ा भरा हुआ था, पानी भी भर रखा था हर समय। देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज एंड डर्टी वाटर मैनेजमेंट है वहाँ पे। द ऑथर सीज द डोर ऑफ द हाउस इज मेड अप ऑफ अ टिन विद पुअर स्टेबिलिटी। उसके घर का जो दरवाजा है उसकी भी कंडीशन बता रखी है उनकी गरीबी दिखाने के लिए, कि दरवाजा भी सही से नहीं जुड़ रखा है, हल्का सा लोहे का दरवाजा है जो बैंग करने पे पूरा का पूरा गिरने को ही तैयार होता है। शी बिहोल्स हैविंग एंटर्ड द हाउस अ फ्रेल यंग लेडी इन अ डिम डार्क रूम। जैसे ही हमारी जो ऑथर हैं वो जाती हैं उसके घर पे जो है हमारे मुकेश बच्चे के, तो वो क्या करती हैं, वो देखती हैं एक फ्रेल, फ्रेल मतलब क्या होता है, बहुत नाजुक सी यंग सी प्यारी सी बच्ची बैठ के जो है चूल्हे पे कुछ खाना बना रही थी। वो कौन थी? वो मुकेश की भाभी थी, यानी कि वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। अब आगे देखते हैं, अब हम वो लड़की वहाँ पे क्या कर रही थी, शी वॉज चॉपे, वो जो है खाना बना रही थी, कुछ पालक के पत्ते पड़े हुए थे वहाँ पे पास में ही उसके एक प्लेट के अंदर, एंड वहाँ पे वो काम कर रही थी, ठीक है। और इसी सिचुएशन में मुकेश रह रहा है, बट येट मुकेश इज रेडी टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी अ मोटर कार मैकेनिक फॉर मेकिंग हिज ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। तो मुकेश को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, बट वो कह रहा है मैं तो बनूंगा मोटर कार मैकेनिक, ठीक है जी। सो ये सिर्फ मुकेश और साहिब का करेक्टर स्केच नहीं था, उनका करेक्टर लाइफ था, ठीक है। यहाँ मैंने आपको वह चार लाइनें करेक्टर स्केच की बताई नहीं है कि भैया वो तो जो हेल्प पता नहीं करे भी ना करे एग्जाम के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको देखो साहिब की पूरी लाइफ समझा दी कैसी थी, मुकेश की पूरी लाइफ समझा दी कैसी थी। तो अब आपको पैरेलल क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी व्हेन यू नो द लाइव्स ऑफ द पीपल यू हैव स्टडीड अबाउट इन योर चैप्टर्स, ठीक है जी। तो लाइव चैट में लॉस्प्रिंगो के लिख दो, लॉस्प्रिंग कंप्लीट हो चुका है। अब भाई पढ़ते हैं अगले चैप्टर फ्लेमिंगो के, डीप वाटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केचेस। ओके, हमारा डीप वाटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केचेस एंड करेक्टर लाइफ। यहाँ मैं आपको सिर्फ करेक्टर स्केच नहीं करानी हो, करेक्टर्स की पूरी लाइफ बतानी हो कैसी थी उनकी लाइव। तो चलो पढ़ते हैं हमारा विलियम ओ डगलस का करेक्टर स्केच, यानी कि डीप वाटर के जो राइटर है उनका करेक्टर स्केच। तो विलियम ऑफ डगलस इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है, ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है जी। हु अंडरगोस टू मिस एडवेंचर इन हिज लाइफ, उनकी लाइफ में उनके साथ दो मिस एडवेंचर्स होते हैं। फर्स्ट
ऑन द बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर. पहला होता है बीच पे कैलिफोर्निया में उनके पिताजी के साथ में, एंड द अदर एट द YMCA पूल वेयर अ बिग ब्रूजियर बॉय थ्रू हिम इन टू द पूल. कहाँ पे, जहाँ पे वो जो बिग ब्रूजियर बॉय मतलब कि वो बच्चा जो बहुत शैतान था जियान जैसा जो उसको पानी में उठा के फेंक देता है. बट विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर. बट उन्होंने अपने फियर को ओवरकम कर लिया था. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. बुली के बारे में कुछ बात करते हैं. तो भाई बुली कौन था? बुली को जियान मतलब खाना भैया, ये तो मैं तुम्हें रेफरेंस देने के लिए बताती हूँ क्योंकि वो नोबिता को बहुत तंग करते हैं. वैसे नोबिता भी कुछ कम नहीं है, ठीक है, बट फिर भी चलो चलो जी देख लेते हैं बुली का करेक्टर स्केच. तो ही वॉज प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड एंड हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. तो ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपकी फ्लेमिंगो बुक में, इसलिए मैंने लिखा है. यही बात डेविड वाटर वाले जो डगलस जी उन्होंने बताया था उसके डिस्क्रिप्शन में कि वो बड़ा हट्टा गट्टा मस्कुलर सा था. ठीक है, ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिक स्पेसिमेन विद हिज हैंड्स लेग्स शोइंग रिपलिंग मसल्स. तो बिल्कुल टोन मसल वाला था वो. ही वॉज द वन हु थ्रू डगलस इन टू द पूल. ठीक है जी, अब आते हैं इंस्ट्रक्टर के करेक्टर स्केच पे. तो इंस्ट्रक्टर भाई साहब कैसे थे? तो वेन डगलस फेल्ड टू लर्न स्विमिंग ऑन हिज ओन ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में जो है उन्होंने हायर करा क्या इंस्ट्रक्टर. द इंस्ट्रक्टर वाज द वन हु बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस. इंस्ट्रक्टर ही वो था जिसने डगलस को एक स्विमर बनाया पीस बाय पीस. फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट. 3 महीने तक उसने जो है डगलस जी को जो है रोप के साथ तैयारी कराई, मतलब बेल्ट बांध के उसको जो है स्विम कराया था. डगलस वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल. पैनिक सीज द प्रोटैगनिस्ट एवरी टाइम. जब भी वो पूल में जो है जब स्विम करते थे तो उन्हें बहुत डर लगता था. द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू फेस under the water and exhale and to raise his nose and inhale. तो उन्होंने पानी के अंदर जो है जो सांस की प्रैक्टिस होती है inhale exhale वाली वो भी कराई. ठीक है, then Douglas had to kick his legs for many times till weeks this तब तक उनकी जो legs है वो relax नहीं हो जाती. तो उन्हें पानी में पैर चलाने को वो कहते हैं. After 7 months the instructor was over with his work. तो instructor को 7 महीने लगे थे Douglas को पूरी तरह से swimmer बनाने के लिए. ये याद रख लीजिए आप लोग. ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं. अब हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है द रैट ट्रैप. तो रैट ट्रैप सेलर का करेक्टर स्केच आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद द करेक्टर स्केच ऑफ रैट ट्रैप. तो रैट ट्रैप सेलर वाज अ पुअर वेगाबाउंड वेयरिंग शैबी रैग्ड क्लोथ्स. ही सोल्ड रैट ट्रैप्स टू अर्न अ वेरी मीगर लाइवलीहुड. तो वो कौन है? वो बहुत ही शैबी से कपड़े पहनता है, भूख दिखती है उसकी आंखों में, एंड वो रैट ट्रैप्स बनाता है और उससे उसकी मीगर मतलब बहुत कम इनकम जनरेट हो पाती है. एट टाइम्स ही रिजॉर्टेड टू पेटी थीवरी. हमेशा नहीं करता था छोटी मोटी चोरी, कभी कभी करता था मजबूरी में. ठीक है जी, तो लाइव चैट में बता दो और क्या जानकारी है तुम्हारे मन में जो है रैट ट्रैप सेलर को लेकर. कुछ पता है तो बता दो, दो शब्द तुम भी मेरे बताने से पहले. ठीक है, ही का अच्छा बता जो राइटर का नाम भी बता दो रैट ट्रैप सेलर के, मैं जरूर लाइव चैट को रीड करूंगी. ही कंसिडर्ड द एंटायर वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप. तो रैट ट्रैप सेलर को क्यों लगता है एंटायर वर्ल्ड बिग रैट ट्रैप है, ये तुम बताओगे, मैं नहीं. एंड ऑल द मींस एंड वुमेन एज रैट, मेन बोलना है, एंड ऑल द वुमेन एंड मेन एज रैट. वो कहता है पूरे लोग जो है ना दुनिया के वो है चूहे, एंड वो जो है दुनिया की अलग अलग चीजें जो दुनिया हमें दिखा है उसके बेट में हम फंस जाते हैं. ही हिमसेल्फ गॉट ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप व्हेन ही स्टोल 30 crore ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर. तो उसके लिए उसकी बेट क्या थी, लालच क्या था, 30 crore क्रॉफ्टर भाई साहब के. He always in search of securing some money. हर समय देखता रहता है यार कुछ पैसे मिल जाए, कुछ कैसे मिल जाए, by hook or by crook. As a result, he got into trouble the second time. When the iron master mistook him for an old companion. तो भाई एक बार तो बच ही गया था पैसे चुरा के क्रॉफ्टर के, तो भाग आया, चलो कोई नहीं. अगली बार भी लालच में फंस जाता है जब ये सोचता है कि यार ये जो है ना आयरन मास्टर ये मुझे कुछ पैसे दे देगा, मेरा कुछ फायदा हो जाएगा. तो क्या करता है, उसे झूठ बोल देता है कि हाँ मैं तेरा दोस्त ही हूँ. However, there was some goodness left in him that was brought to surface by kind Edla. But उसके मन की अच्छाई जो बची कुछ ही थी वो बाहर कौन लाती है, वो लाती है Edla मैडम, जिनका करेक्टर स्केच नेक्स्ट पढ़ेंगे, द आयरन मास्टर्स डॉटर. एट द एंड ही ट्रांसफॉर्म formed himself and turned the stolen money to the crofter through Edla. और वो बाद में स्टोल किया हुआ पैसा वापस भिजवा देता है. ठीक है जी, अगला चैप्टर पढ़ते हैं. नहीं अगला चैप्टर थोड़ी हुआ, Edla का करेक्टर स्केच पढ़ते, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो Edla was kind and good natured. Edla बहुत अच्छी थी और गुड नेचर थी. शी हैड मोर कन्विंसिंग पावर देन हर फादर. उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है अपने फादर से, तभी उसके फादर उसको भेज देते हैं पेडलर को बुलाने के लिए. एंड वॉज एबल टू परसुएड द पेडलर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन. शी वॉज पेंट बाय द प्लाइट ऑफ द पेडलर. प्लाइट मतलब जो मजबूरी
होती है ना लाइफ की, जो दुख लाइफ में मिल रहा होता है वो मान लो आप, तो उसको पेडलर की लाइफ का दुख देख के बहुत बुरा लगता है एंड उसने उसको कंटिन्यू करा अच्छे से ट्रीट करना, इवन उसको पता चल चुका था कि वो जो है उसके पापा का दोस्त नहीं है। हर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स मेच्योरिटी एंड ग्रेस। तो ये कुछ चंद बातें हैं जो आपको एडला और एडला की लाइफ के बारे में ध्यान रखनी है। ओके, अब आते हैं हमारे अगले करेक्टर स्केच पे जो है रैट रेपसेलर चैप्टर के, वो हो गया हमारा ओल्ड मैन क्रॉफ्टर का। ठीक है, तो क्रॉफ्टर साहब तो बहुत ही दिल के प्यारे इंसान थे, तो क्रॉफ्टर के बारे में भी दो शब्द जरा मुझे जल्दी से लाइव चैट पे लेके बता दो कि तुम्हें कैसा इंसान लगा क्रॉफ्टर हमारा। तो क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन है हु लेट्स द पेडलर स्पेंड द नाइट एट हिज हाउस। उसने कहा कि ठीक है बेटा रुक जा तू मेरे घर पे। क्यों रुकवाया था ये तुम बताओ? क्यों भैया उस बुड्ढे ने इसको अपने घर पे रुकने की परमिशन दी? कोई तो रीजन होगा, रीजन बताओ। ठीक है, द ओल्ड मैन इज क्लियरली लोनली एंड ग्लैड टू हैव अ कंपनी। अब तुमने अगर बता दिया होगा लाइव चैट में रीजन, तो अब मेरे से सुन लो। रीजन ये है कि वो बहुत अकेलेपन का शिकार था, उसके ना बच्चे थे ना उसकी वाइफ थी, तो उसने सोचा यार दो बातें करने के लिए ही कोई इंसान मिल जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, कुछ बातचीत कर लूंगा। ठीक है चलो जी। एंड प्रोवाइड्स द पेडलर विद फूड टोबैको एंड कॉन्वर्जेशन। उसके बाद फूड भी खिलाता है, टोबैको भी देता है और बहुत सारी गप्पे भी मारता है। ही यूज टू बी अ क्रॉफ्टर एट रैम्स जो आयरन वर्क। उसको क्रॉफ्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ओल्ड मैन जो है क्रॉफ्टर था रैम्स जो आयरन वर्क्स में, बट नाउ सर्वाइव्स बाय सेलिंग द मिल्क फ्रॉम हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउ। बट अब वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाता है? अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउ का जो मिल्क है उसको बेच के। द ओल्ड मैन इज काइंड एंड जेनरस, बट द पेडलर रिप्लेस हिज जेनरोसिटी बाय स्टीलिंग 30 crore फ्रॉम हिम आफ्टर द क्रॉफ्टर shows him where he keeps the money। तो भाई उसकी generosity, उसकी kindness का reply हमारे rat seller ने कैसे करा? उसके पैसे ही चुरा के। तो क्या उसने सही करा? Now ऐसा question आपको आ सकता है exam में, long में, what do you think? इस पे diary entry लिखने को आ जाएगी। तुम सोचो क्या उसने सही करा, क्या वो सही था? तो कहीं ना कहीं देखो उसने गलत तो करा, बट वो इंसान मजबूर था। ठीक है, वो मजबूर था, उस पर कुछ पैसे नहीं थे, तो उसकी चोरी करने को हम सही नहीं कह सकते किसी भी ग्राउंड पे, बट इसमें उसकी मजबूरी भी बता सकते हैं कि वो मजबूर था इसलिए उसने ऐसा किया। ठीक है जी, चलो जी अगला करेक्टर स्केच आता है हमारा रैट रेपसेलर में से। हमारा जो है कंप्लीट हो गया, और तो कोई नहीं है। अब हम पते हैं इंडिगो चैप्टर में करेक्टर स्केच। इंडिगो में तो आपको एक ही करेक्टर स्केच जो है इंपॉर्टेंट है, वो है राजकुमार शुक्ला जी का। सो लेट्स बिगिन। तो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द इलिटरेट पुअर एंड ऑपरेस शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन है? इलिटरेट है, पुअर है और ऑपरेस शेयर क्रॉपर है चंपारण से। ही वॉज अ मैन ऑफ फर्म रिजॉल्व। वो कैसे आदमी है? वो भैया बहुत इरादों के पक्के आदमी है। हु वॉज करेजियस इनफ टू इम्प्रेस गांधी जी टू द एक्सटेंट दैट ही फॉट फॉर देयर कॉज एंड वॉन देम जस्टिस एंड सेल्फ रिलायंस। तो राजकुमार शुक्ला के लिए जरूर मेंशन करना, एक वर्ड जरूर मेंशन करना, दैट वो थे बहुत रेजोल्यूट, अपने इरादों के पक्के। एक यही तो है जिनकी वजह से गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण वासियों की उन्होंने मदद की। तो उनकी जो परसिवियरेंस थी, उनका जो करेज था, उनकी जो हिम्मत थी, उनकी जो जिद थी, उसके बेसिस पे ही तो गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। तो उनका जो रोल है चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ना जाते वो गांधी जी से मदद मांगने तो क्या होता? तो राजकुमार शुक्ला जी का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए एंड हमारे जो है चंपारण वासियों के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो बहुत ध्यान रखना है इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम नाउ लेट्स डिस्कस द करेक्टर स्केच ऑफ सोफी। ठीक है, अभी पोएट फैन के कौन इंटरव्यू का इसके बाद कराऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट करेक्टर स्केच जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोफी। तो भाई सोफी के लिए भी चार लाइनें जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दी जाए, क्योंकि सोफी है तो बहुत प्यारी बच्ची, बट कहीं ना कहीं बहुत पागल इंसान है यार ये। ठीक है, तो इसकी इमेजिनेशन दुनिया के लिए एक लाइक भी कर देना वीडियो को जल्दी से, अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो। और हम देखते हैं सोफी का इमेजिनरी वर्ल्ड। और सोफी के बारे में मैं तुम्हें एक पैराग्राफ बताती हूँ जो तुम्हें एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है जी, पढ़ते हैं। सोफी इज अ यंग गर्ल। सोफी कौन है? यंग बच्ची है, स्कूल इसका खत्म होने वाला है, फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हमें कैसे पता? वो हमें इसका घर के जो कंडीशन बताई थी उससे पता चला। दो शी हैज बीन ईयर मार्क टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री। उसको पता है कि मेरे को स्कूल खत्म होने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में जाके काम करना है। शी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग अ बुटीक। उसे अपना बुटीक खोलना है एंड बिकमिंग एन एक्ट्रेस। एक एक्ट्रेस बनना है, एक फैशन डिजाइनर बनना है और एक मैनेजर बनना है। शी ड्रीम्स ऑफ कमिंग आउट ऑफ हर इकोनॉमिक सिचुएशन। वो ड्रीम करती है कि काश मैं अपनी इस इकोनॉमिक सिचुएशन से, इस गरीबी से मैं बाहर आ पाऊँ। शी इज एन इनक्योर ड्रीमर, यानी कि ऐसी ड्रीमर है, अगर वो चाहे भी कि यार मैं डे ड्रीमिंग ना करूं तो नहीं ऐसा हो पाता, आराम से ये जो है घंटों घंटों ड्रीमिंग करती रहती है। एंड एन एस्केपिस्ट। भाई गोइंग प्लेसेस वाली सोफी का महा एपिसोड क्वेश्चन, यानी कि पैरेलल क्वेश्चन हमारे चार्ली भैया के साथ बन के आ सकता है, जो एक एस्केपिस्ट है और उसने तो थर्ड लेवल पे अपनी एक नई दुनिया ही खोज ली थी। तो ये ध्यान रखना। ऑल हर ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फिगमेंट्स ऑफ हर ओन इमेजिनेशन। जो भी ड्रीम्स है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, वो सब गाइज उसने खुद ही बनाई है।
तो वो डिसअपॉइंट होती है डैनी किसी के ना आने पे, तो उसकी गलती है, तुम ऐसी चीज़ सोच ही क्यों रही हो। हाँ बुटीक खोलना सही सोचती उसकी, एक्ट्रेस बनना भी सही सोचती, बट ये जो उसने फैंटेसाइज कर रही थी वो डैनी किसी से मिला, ये गलत थी। इससे वो कितनी परेशान होती है बाय द एंड ऑफ द चैप्टर कि यार वो मुझसे मिले नहीं आया, बट कोई बात नहीं, मैं तो यकीन मानूंगी कि वो आया था, ना करे मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही बहुत दुख पहुँचा रही है जब वो जो है ये सब बातें सोचती है। जैन जी एंड हर फादर शी इग्नोर्स देम, ठीक है, तो उनको जो है नहीं, अच्छा आगे बढ़ते, ऑल दो शी इज वॉन्ट अगेंस्ट सच ड्रीम्स बाय हर फ्रेंड, ऑल दो जैन जी और उसके पापा से रोकते बेटा इतनी वाइल्ड स्टोरीज अपने दिमाग में मत बनाओ, बट शी इग्नोर्स देम, वो उनको इग्नोर करती है। एज नो वन बिलीव्स हर, कोई उसको बिलीव नहीं करता है, तो शी शेयर्स हर ड्रीम ओनली विद हर ब्रदर जियोफ हु इज एन इंट्रोवर्ट, तो वो जियोफ भाई को ही सब कुछ बताती है, इवन दो जियोफ को भी कभी कभी यकीन नहीं होता होगा, बट वो इंट्रोवर्ट है तो वो अपनी बहन को ज्यादा कुछ कहता नहीं, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा भरोसा कर भी लेता है अपनी प्यारी बहन पे। शी ऑल्सो वर्शिप्स द फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी, वो बिल्कुल पागल फैन है डैनी कैसी, अबाउट मीटिंग डैनी कैसी एट द मार्केट प्लेस एंड लेटर नियर द खिनाल, तो ये सब चीजें वो इमेजिन करती रहती है। ओके अब आगे हैं हम हमारे जो है गोइंग प्लेसेस चैप्टर की सेकंड इंपॉर्टेंट करेक्टर, जो सबसे समझदार करेक्टर है, उसका करेक्टर स्केच। उसका करेक्टर स्केच पैरेलल क्वेश्चन में बहुत हेल्प कर सकता है। सोचो जेन जी की किसी से बात करवा दें, भाई तुम जेन जी हो, तुम्हारी सोफी बहन जो है बड़ी पागल सी है, चार्ली की वाइफ जो है लूजिया, उसका और जानसी की बात है, अरे भाई मेरी दोस्त भी ऐसी, वो कहे मेरे हस्बैंड भी ऐसी पागल है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जेन जी का करेक्टर स्केच काम आ सकता है। तो जेन जी इज अ यंग गर्ल ऑफ अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड शी इज नॉट वेरी एम्बिशियस, तो जेन जी एम्बिशियस नहीं है। सोफी की खासियत यही है कि वो एम्बिशियस है, ठीक है। शी नोज वेल दैट शी हैज़ टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, उसे पता है कि यार मुझे तो बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है आफ्टर स्कूलिंग टू कीप द फैमिली इनकम रनिंग, जिससे वो घर का खर्चा अच्छे से चला पाए, जस्ट लाइक वो बच्चे। इनका कॉम्बिनेशन साहिब के साथ भी आ सकता है, मुकेश के साथ भी आ सकता है। शी हैज़ हर फीट प्लांटेड ऑन द ग्राउंड, उसके जो पैर है वो जमीन पर है। जेन जी एडवाइजेस सोफी टू बी सेंसिबल एंड नॉट अ ड्रीमर, जेन जी एडवाइस करती है उसको कि बहन तू सेंसिबल बन, एक ऐसी ड्रीमर मत बन। शी इज नॉजी, नॉजी मतलब क्या हुआ, ऐसा उसको कहती है सोफी की, ये इधर की बात उधर करती है, ठीक है। शी टेक्स इंटरेस्ट इन नोइंग अ लॉट अबाउट अदर, उसको सबके बारे में जानना है, कौन किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जस्ट लाइक आंटीज। जेन जी इज सो ओपन हार्टेड दैट शी कैन नॉट कीप एनी सीक्रेट एंड शेयर्स इमीडिएटली विद ऑल हर नेबर्स, भैया इसकी गलती क्या है जेन जी की, इसको कोई बात पता चली ये मोहल्ले में गा देती है। शी इज प्रैक्टिकल एंड डज नॉट बिलीव इन कीपिंग अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, तो तुम्हारी लाइफ में भी अगर कोई जेन जी हो तो सोच लो, ठीक है। चलो जी अगला हम पढ़ेंगे अब करेक्टर स्केच अपना नेक्स्ट चैप्टर में से, जो है हमारा पोएट्स एंड पैनकेक में से कोठा मंगलम शुभुजी का। तो शुभुजी के बारे में आपको बहुत कुछ लिखने को आ सकता है एग्जाम में, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कोठा मंगलम शुभुजी। तो कोठा मंगलम शुभुजी हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल ऑल द टाइम्स, ठीक है। तो ये बात उनके बारे में बताई गई थी कि उनकी एक एबिलिटी है कि वो हमेशा चीयरफुल, हमेशा खुश दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नरेटर ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन एंड ही ऑलवेज हैड टू वर्क फॉर समबडी, तो वो हमेशा किसी को अपने साथ लेकर ही काम किया करते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, वो स्पेशली बने थे सिर्फ और सिर्फ पिक्चरों के लिए। वेन एवर देयर वॉज अ प्रॉब्लम एट जेमिनी स्टूडियो ही वॉज द वन हु केम आउट विद द सॉल्यूशन एवरी टाइम, जब भी जीएस के अंदर, जीएस क्या है, जीएस में कह रही जेमिनी स्टूडियो को, जब भी जेमिनी स्टूडियो में कोई भी दिक्कत होती थी तो सामने आती थी कोठा मंगलम शुभ जी सारी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। ही ऑल्सो हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉस नंबर टू नहीं थे जीएस के, वो साथ ही के साथ एक पोएट भी थे। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोम्स, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पोम्स बनाई है, एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल थिलाना मोहनमलम, उनकी नॉवल का नाम याद रख लो जरूर आएगा एग्जाम में। ही वॉज कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था, याद है कोठा मंगलम शुभुजी के बारे में, याद है तो मुझे बता दो लाइव चैट के अंदर दीदी याद है, क्योंकि ये वही कोठा मंगलम शुभुजी है जिनसे ऑफिस बॉय बहुत ही ज्यादा जला करता था। ही वॉज अमेजिंग एक्टर बट नेवर एस्पायर टू बी द लीड रोल, ठीक है, वो अमेजिंग एक्टर थे बट कभी भी लीड रोल के लिए वो आगे नहीं बढ़े, नहीं। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एवरीवन, बहुत ही भले इंसान थे, सबको प्यार करते थे, एंड सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोवाइजन मैन एंड येट हैड एनिमीज, इतना चैरिटी करते थे, इतने लोगों की मदद करते थे, बट फिर भी उनके दुश्मन थे जीएस के अंदर। एज इट वॉज अज्यूम दैट ही सीम क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस विद ऑल द मीन्स ऑफ फ्लैटरी एंड दस वॉज एबल टू बी नंबर टू एट जीएस, तो लोग सोचते थे कि ये जो है ना बहुत चमचागिरी करते हैं, ये बहुत बटरिंग करते हैं बॉस की, जो इस वजह से ये नंबर टू पे है, बट दुनिया ऐसी ही होती है गाइस, अपनी कामयाबी तरक्की अगर ना हो तो दूसरों से चलती है, और फिर दूसरों की मेहनत को कहते हैं कि उन वो मेहनत से आगे नहीं बढ़े, वो तो जो है किसी की फैक्ट्री करके, ऐसी लोगों की सोच हो जाती है जैसे ऑफिस बॉय की, अगर वो तरक्की नहीं हासिल कर पाया लाइफ में और शुभू जी ने मेहनत करके क्या कुछ हासिल नहीं करा, तो वो उनकी तरक्की से जेलस होकर क्या कहता है कि ये तो बॉस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बहुत जो है फ्लैटरी करते हैं, उनकी बहुत चमचागिरी करते हैं, बटरिंग करते हैं, इसलिए ये नंबर टू किया। उसको उनकी काबिलियत का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या बढ़िया नॉवल्स लिखते हैं, क्या बढ़िया करेक्टर्स अपने नॉवल्स के बनाते हैं, कितना बढ़िया डायरेक्शन करते हैं, कितने बढ़िया राइटर हैं, कितने बढ़िया एक्टर भी हैं, कितनी ही
अच्छे दिल के इंसान है कि अपने घर में इतने लोगों को रुकवाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं और जो है उनको कभी एहसास नहीं होने देते कि वो उन पर कुछ एहसान कर रहे हैं, बट दुनिया ऐसी ही है। तो चैप्टर उसे देखो समझाया हमें जा रहा है, ठीक है जी। अभी पैनकेक के ऑथर तुलसो कमेचुन कौन थे? स्टाफ थे जो जॉब करते थे कहाँ पे? जीएस के अंदर, जमनाई स्टूडियो के अंदर। और उनकी जॉब थी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज न्यूज एंड इवेंट फ्रॉम न्यूज पेपर एंड मैगजीन एंड पीस देम इन अ फाइल, ठीक है। द अदर स्टाफ कंसिडर्ड हिज जॉब आउट ऑफ प्लेस एंड मोस्ट ऑफ देम थॉट सो हाई ऑफ देम सेल्स, यानी कि वो सोचते थे कि भैया इनका तो काम ना के बराबर है और खुद को बहुत बनते थे। हियर आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टाफ ऑफ जीएस, जेमिनी स्टूडियो का इंटरेस्टिंग स्टाफ में सबसे पहले ऑफिस बॉय को देख लो, ये मेन इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ऑफिस बॉय एक ग्रोन अप मैन था इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जीएस। उसकी काम क्या था, उसको क्या काम करना था ऑफिस डिपार्टमेंट में, ऑफिस बॉय को जो है मेकअप डिपार्टमेंट में? ही वॉज इन चार्ज ऑफ क्राउड मेकअप, जो क्राउड का मेकअप करना होता था, पेंट भर के जो है मुंह पे पोत दिया करता था, वो काम था इसका। ही अप्लाइड पैन केक ऑन देयर फेसेस विद द हेल्प ऑफ अ डिप्ड पेंट ब्रश। तो भैया वैसे तो ना वो कॉम्पैक्ट के लिए जो फाउंडेशन लगाना हो, ब्लेंडर होगा, मेकअप के अलग अलग अपने यहाँ पास चीजें होती है, तो ये मेकअप वाला प्रोडक्ट नहीं यूज करते थे। उसको लगाने के लिए ये क्या यूज करते थे, ये पेंट का ब्रश लेते थे और उसमें पैनकेक डुबो के उसके सभी क्राउड के फेसेस पे लगा दिया करते थे। दो हिज जॉब वॉज क्वाइट एन ईजी वन, द ऑफिस बॉय कंसिडर्ड हिम टू बी ग्रेटली स्किल्ड आर्टिस्ट, वो अपने आप को जो है बहुत स्किल्ड आर्टिस्ट समझा किया करता था। पोइट पैनकेक के भी सारे करेक्टर स्केच कंप्लीट। अभी गाइस हम इंटरव्यू के उम्बर्टो इको, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर स्केच है आपके एग्जाम के लिए, उम्बर्टो इको के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्बर्टो इको प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इटली के, उन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। ही लाइक बीइंग इंटरव्यूड एज ही वाज ऑलरेडी रेडी टू आंसर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो डज नॉट सीम टू बी ऑफेंसिव अबाउट शेयरिंग हिज सीक्रेट। तो वो इंटरव्यू को लेते हुए ऑब्वियसली ही वाज गुड, ही वाज फीलिंग गुड, ही वाज हैप्पी बिकॉज वो सारे आंसर खुशी खुशी दे रहे थे और अपनी सीक्रेट्स भी बताते कि भैया मैं तो दो शो देखता हूँ, दोनों शो अगर आपको नाम पता है जो इंटरव्यू में उम्बर्टो इको ने बताया कि मैं हूं तो मुझे बता दो उनके नाम। ही कंसिडर हिमसेल्फ एज एकेडमिक स्कॉलर देन अ नॉवलिस्ट, पहले मैं टीचर हूं फिर नॉवलिस्ट हूं। ही यूज्ड टू अटेंड एकेडमिक कॉन्फ्रेंस नॉट द पेन क्लब ऑफ द राइटर्स, कह रहे मैं भैया अपनी पढ़ाई लिखाई वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूं, पेन क्लब बाद में। अकॉर्डिंग टू हिम लाइक यूनिवर्स हैव एम्प्टी स्पेसेस, आवर लाइफ आल्सो हैव एम्प्टी स्पेसेस। तो उनकी एंटीसाइसिस की थ्योरी याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन बन के आएंगे एग्जाम में। ही हैड अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर बिटवीन द टू टास्क एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ही यूजेस इट एंड राइट एन आर्टिकल, ठीक है, वेस्ट नहीं करते थे टाइम को। ही वॉज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल्स ओनली ऑन संडेज, ये भी याद रखना। इनफैक्ट हिज नॉवल वॉज सीरियस वन एंड डेल्व्स इनटू मिथोलॉजी थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो नेम ऑफ द रोज कैसी थी ये भी याद रख लो। हिज नॉवल वॉज सक्सेसफुल एंड द रीजन बिहाइंड सक्सेसफुल इज स्टिल अ मिस्ट्री, बट वेन इट वॉज रिटन दैट हिस्ट्री वॉज फेवर्ड फॉर इट्स सक्सेस, ठीक है जी। तो भैया चलो अब ये भी कंप्लीट हो गया है हमारा, विद दिस विस्तास के करेक्टर स्केचेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जिस जिस बच्चे को विस्तास के करेक्टर स्केच पढ़ने हैं जाके मेरे चैनल को चेक करो, डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं आपको हर चैप्टर की थीम पढ़ाने वाली हूं, पोएटिक डिवाइसेस पढ़ाने वाली हूं। तो आई डोंट नो आपके वो आज मेरे चैनल पे कितनी नोटिफिकेशंस मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो मैं चैनल पे आके चेक करना है करेक्टर स्केच पोएटिक डिवाइसेस थीम की वीडियोस एंड यू विल गेट एवरीथिंग इन वन शॉट, डिटेल एक्सप्लेनेशन वो भी सबसे कम समय में एंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन यू विल एवर फाइंड, ठीक है जी। तो चलो यूट्यूब पे आपको अगर अपनी इंग्लिश की तैयारी करनी है तो सिर्फ सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल पे आना है और 3 दिन के अंदर ही ऐसी प्रिपरेशन कर लेनी है, रिवीजन कर लेना है कि 100 में से 100 हो जाए पक्के। ओके जी, अगला वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एंड इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, गूगल ड्राइव पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो जिनका लिंक इवन है कॉमेंट सेक्शन में।